الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. ये सूरत الصافات की आयत नंबर 106 से आयत नंबर 113 तक 8 आयतें आप हजरात के सामने तिलावत की गई है। गुज़िश्ता दर्स में बात चल रही थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक बड़ी आजमाइश अल्लाह पाक के हुक्म से आई और उनको ख्वाब में हुक्म हुआ कि अपने बेटे को ज़िबा कर दें। लेकिन चूँकि अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के पैगंबर थे और नबूवत और पैगंबरी के लिए जिन हस्तियों का इंतखाब होता है अल्लाह पाक उनके दिलों को आजमा चुके होते हैं कि ये मेरे हुक्म पे पूरा उतरेंगे, उसमें पसोपेश नहीं करेंगे। तो बेटे को ले जाके ज़िबा करने के सारे असबाब पूरे कर दिए, हाथ पैर बांध दिए और पेशानी के बल लिटा दिया, छुरी गर्दन पे रख दी। यानी अब ज़ाहिरी तौर पर असबाब के दर्जे में तो कोई चीज़ बाकी नहीं, छुरी रख दी, अब फेरना शुरू की, लेकिन अल्लाह का हुक्म हर चीज़ पर गालिब है। देखे ना, इससे सिर्फ इतनी बात साबित नहीं होती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई इस्माईल अलैहिस्सलाम पर और उनकी जगह ज़िबा क्या हो गया, दुम्बा ज़िबा हो गया। ये भी तो काबिले गौर बात है ना कि इस थोड़ी सी एक घड़ी में, चंद सेकंड का जो वक्फ़ा है, इसमें ये दुम्बा कहाँ से आया और किसके हुक्म से आया और कौन सी ताकत थी कि आनन फ़ानन ये सब कुछ हो गया। ये भी तो अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी दलील है कि वो कितनी बड़ी ज़ात और उसकी कितने बड़ी ताकत होगी कि छुरी बेटे के गर्दन पे रख चुके हैं लेकिन जब चलाई है तो दुम्बा जन्नत से आया है अल्लाह के हुक्म से और दुनिया में पहुंचा है और छुरी के नीचे वो ज़िबा हो गया। ये पूरा वाक़या कुर्बानी का अल्लाह की कुदरत कामिला पर बहुत बड़ी दलील है। इसीलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत के लिए ईदुल अज़हा के 3 अय्याम में किस अमल को सबसे महबूब करार दिया, कुर्बानी के अमल, कि इससे ज़्यादा कोई अमल अल्लाह को महबूब नहीं जितना कि अल्लाह के यहाँ जानवरों का खून बहाना। इसलिए कि इसमें अल्लाह की कुदरत कामिला का इज़हार है। दुम्बा ज़िबा हो गया, इस्माईल अलैहिस्सलाम महफूज हो गए, लेकिन अल्लाह की तरफ से आने वाले इम्तिहान में अल्लाह का एक बंदा 100 नंबर लेके कामयाब हो गया। अब जाप्ता है कि जो बंदा मेहनत करे, इम्तिहान दे दे और इम्तिहान में पूरा उतर आए, कामयाब हो जाए, तो उस कामयाब होने वाले, पोजीशन लेने वाले बंदे की हौसला अफजाई करना ये सुन्नत खुदावंदी है, ये अल्लाह का तरीक़ा और अल्लाह की सुन्नत है। अब अल्लाह पाक की तरफ से तारीफ़ी कलिमात, तारीफ का सर्टिफिकेट मिल रहा है। इन आयात का तर्जुमा है, इन नहाजा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक ये एक वाज़ह बड़ी आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश,
وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے ان کے بدلے میں ایک بڑی قربانی پیش کر دی. ذبحٍ عظیم, اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک بڑی قربانی پیش کر دی. ان کے بدلے میں کیا ذبح ہوا؟ دمبا ذبح ہوا. لیکن اس دمبے کے ذبح ہونے کو اللہ عظیم فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جانور شاید چند ہزار روپے دے کر آتا ہے. انسان ہزار روپے خرچ کرتا ہے, ایک جانور لے آتا ہے, لیکن یہ جانور کو ذبح کرنا اللہ کی نظر میں عمل عظیم ہے, ایک بڑا عمل ہے. پھر وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے اس عمل کو باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں, وہ عمل باقی رہا, ختم نہیں ہوا. سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر, اللہ فرما رہے ہیں ان پر سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین, نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق, اب ایک اور انعام, اور ہم نے ان کو خوشخبری سنا دی اسحاق کی. پہلے ایک بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام, اب جب آزمائش میں پورے اترے اللہ نے خوشخبری دی میں آپ کو ایک اور بیٹا دوں گا اور اس بیٹے کا نام اسحاق ہوگا. ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی, نبیاً, جو نبی ہوں گے, من الصالحین, اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, اور ہم نے برکت رکھ دی ان میں بھی اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی. دونوں بیٹوں کی زندگی میں اللہ فرما رہے ہم نے برکتیں رکھ دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ, اور دونوں کی اولاد میں جو لوگ پیدا ہوں گے کچھ نیکی کرنے والے اور کچھ اپنی جانوں پر واضح طور پہ ظلم کرنے والے ہوں گے. تو اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, آزمائش تو بہت بڑی تھی, خود اللہ پاک اس کو البلاء المبین فرما رہے ہیں. بلا کے معنی عربی میں آتے ہیں آزمائش کے, اور اللہ فرما رہے یہ آزمائش, یہ بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن اس میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور اللہ پاک نے ان کی آزمائش کو قبول فرما کے اس کے بدلے میں ایک جانور کی قربانی کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا. اب دیکھیں, جو بھی اس دنیا میں قیامت تک ملت ابراہیمی پر چلے گا, جو بھی چلے گا ملت ابراہیمی پر, طریق ابراہیمی پر, وہ قربانی کا عمل کرتا رہے گا. اس لیے میرے عزیزوں, دوستوں, بزرگوں, آپ نے غور کیا کبھی, ہم جب درود ابراہیمی پڑھتے ہیں, درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. پھر اگلے اس میں کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس امت کی ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود و سلام قیامت تک کے لیے جاری ہو گئے, اس لیے کہ اللہ کو ان کی قربانی اتنی محبوب آئی. جو دین فطرت پر اس دنیا میں چلے گا وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعائیں خیر ضرور کرتا رہے گا, قبول ہو گئے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین, یہ بات میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہے. فرمایا ہم محسنین کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. محسنین, محسنین جو اللہ کی طرف سے پیش آنے والے حکم کو پورا کر لے, جو جس وقت کا تقاضا ہے اس پہ پورا اتر آئے, یہ محسن کہلاتا ہے. اب اس آیت میں ایک بہت بڑی تسلی اور پیغام ہے.
पैगाम क्या है। शायद हमारे जहनों में ये बात आती कि भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इतना तस्किरा, उनकी याद, उनके लिए दुआएं खैर, उनके लिए तारीफ़, ये सब चीज़ें हो रही है इसलिए कि इतने बड़े इंसान थे, पैगंबर थे, अल्लाह के खलील थे, अल्लाह के चुने हुए थे, उनको तो ये सब चीज़ें मिलनी थी। अल्लाह पाक ने फरमाया कज़ालिका, हमारा यही मामला होता है, सिर्फ इनके साथ ख़ास नहीं है, सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास नहीं है, जो भी नज़्ज़िल मुहसिनीन, अपने आप को इनकी तरह मुहसिनीन की सफ़ में शामिल कर देगा, हम उस बंदे को भी इसी तरह के इनामात से नवाज देंगे। लेकिन बंदा मुहसिन बने, अल्लाह पाक की तरफ से पेश आने वाले इम्तिहानात में पूरा उतर आए। और मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, एक काबिले गौर बात आज वाकई अगर हम गौर करें कि इस दुनिया में जिन लोगों ने वाकई अल्लाह के दीन के लिए क़ुरबानी दी, चाहे उनको गुज़रे हुए 1400 साल हो गए, 1300 साल हो गए, 600 साल हो गए, 200 साल हो गए, क्या वाकई ऐसा नहीं है कि उनके तस्किरे आज भी ज़िंदा है या नहीं? आज पूरी उम्मत मुस्लिमा मिन हैसुल जमात, आप देखें ना, इन अय्याम में मुहर्रमुल हराम में सही तरतीब और सही मनहज के साथ क्या शुहदाए करबला के तस्किरे नहीं हो रहे? क्या कुछ दिन पहले हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का तस्किरा नहीं हुआ? हर मुसलमान, चाहे किसी ने ज़बान से किया, किसी के दिल में आया, किसी ने सुना, किसी ने लिखा, जज्बात और एहसासात तो हर साहिब शुरूर मुसलमान के पास है। इस अशरे में जहन में क्यों हज़रत हुसैन जहनों में ज़िंदा है, क्यों शुहदाए करबला ज़िंदा है? उनमें और इब्राहीम अलैहिस्सलाम में तो हज़ारों साल का फासला है, लेकिन आयत का मिसदाक बन गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर लिया, मैदान करबला में मुहसिनीन की सफ़ में आ गए। अल्लाह का वही ज़ाब्ता जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए चला, उनके लिए भी चल गया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, अल्लाह ने फरमाया हम उनका ज़िक्र खैर बाद वालों में ज़रूर बाकी रखें, उनके तस्करे। तो जो भी अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हो, और ऐसा इस्तेमाल हो कि वाकई क़ुरबानी दे दे, आजमाइशों से गुज़रे, तो उनके नाम, उनके तस्करे और उनके लिए दुआएं खैर और ज़िक्र खैर, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा बरकरार है। कितने लोग ऐसे हैं जो बड़ी मोहब्बत से अपनी औलाद के नाम बिलाल रखते हैं, रखते नहीं रखते दोस्तों, क्यों रखते हैं? इसलिए कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ुरबानी बहुत बड़ी है, तपती रेत और गर्म पत्थरों को, अंगारों को बर्दाश्त किया है अपने जिस्म पर, तो ज़ाहिरन तो कोई बड़े ख़ानदान के, कोई साबिक और लाहिक के अंदर कोई बड़ा तस्किरा नहीं, लेकिन उस क़ुरबानी की वजह से उनका नाम ज़िंदा है। और जब भी उनकी बात होती है लोग कहते हैं मुअज़्ज़िन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिलाल जो अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़िन थे। तो इसलिए क़ुरबानी देने वाला अगर सही रास्ते और सही नहज पे क़ुरबानी दे, उसका ज़िक्र खैर अल्लाह पाक ज़िंदा कर देते हैं, वो ख़त्म नहीं होता। एक बात, दूसरी बात यह है कि अल्लाह पाक उसकी बरकतों को बाकी रखते हैं, उसकी बरकतें ज़िंदा होती है। देखें ना, वबारकना अलैहि वाला इसहाक, उस क़ुरबानी देने वाले की ज़िंदगी की बरकतें उसके बाद में भी जारी रहती है, और एक दुनिया उससे इस्तेफादा करती है। आज देखें ना, खैर के जितने काम दुनिया में हो रहे हैं, दीन की जितनी मेहनत आज दुनिया में जिस उनवान से, जिस तरतीब के साथ हो रही है, अहले हक की,
जो सही मानों में अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल हुए, तो उन लोगों की ज़िंदगियों को अगर हम पढ़ें तो वो सीधे सादे कमज़ोर से दुनिया के मालो असबाब और इन बातों से कोसों दूर थे, लेकिन उनकी बरकतों से आज दुनिया फैज़ उठा थी, उनकी बरकतें ज़िंदा हो गई पूरी दुनिया। दुनिया के जिस कोने से जो शख्स आता है तो वो कहता है भाई हमारे यहाँ माशाल्लाह जमातें आती हैं, हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़ी फिक्र होती है, हमारे यहाँ मस्जिदें आबाद हो रही है, हमारे यहाँ उलमा ज़्यादा होते जा रहे हैं, हाफिज़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, दीन की फिक्र पैदा हो रही है। हर चीज़ का एक दर्द क्यों? ये अल्लाह पाक इस उम्मत को क़ुरबानी देने वालों की बरकतें ज़ाहिर फरमाते हैं। बात समझ गए दोस्तों? तो इंसान कभी इससे परेशान ना हो कि यार मैं इतनी क़ुरबानी दी, अपने आप को थका दिया, सब कुछ कर दिया, पता नहीं मेरे बाद क्या होगा, ये सारा काम कैसे चलेगा। तो भाई ज़ाती तो है नहीं, अल्लाह के दीन के लिए है, और अल्लाह पाक उसको कैसे चलाएंगे, दुनिया हैरान हो जाती। आखिरी बात, वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन वज़ालिमुन, फरमाया उनकी औलाद में मुहसिन भी और ज़ालिम भी। ज़ालिम से मुराद यानी गुनाह करने वाले नाफरमान, मुहसिन से मुराद मान कर चलने वाले फरमाबरदार। फरमाया इन पैगंबरों की नस्ल में और आलो औलाद में मुहसिन भी आएंगे, ज़ालिम भी आएंगे। यहाँ बड़ी अजीब बात मुफस्सिरीन ने लिखी है जिससे एक राइज गलत मसले की इस्लाह होती। आपने देखा होगा हमारे यहाँ लोगों में जब माहौल में एक इल्मी जहालत पैदा हो जाती है ना, लोग रस्म और रिवाज के साथ या बड़ों के निज़ाम के साथ चल पड़ते हैं, तो एक जहन में बात होती है कि एक अगर नेक आदमी, एक अल्लाह वाला, एक साहिब निस्बत आदमी था, तो वो कहते हैं कि इस निस्बत की वजह से उसके बेटे में, पोते में, आगे की नस्लों में वो सब उसी तरह काबिल एहतराम है चाहे वो ज़ाती तौर पे कुछ भी हो जाए। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त। मकसद ये कि एक आदमी शरीयत से, सुन्नत से, दीन से कोसों दूर है, गलत ज़िंदगी गुजार रहा है, शराब व कबाब की ज़िंदगी में लगा हुआ है, ये बड़ी बड़ी मूँछें, औरतों से इख्तलात है, दिन रात की नाफरमानी है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कुछ भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं मैं चूँकि फलां बुज़ुर्ग की औलाद में से, तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका है जो लाइन बनाकर ऐसे फ़र्द के सामने भी ऐसे खड़ा होता है इस तरह। क्यों? कहते हैं भाई ये फलां के सिलसिले से चलते आए हैं, अब ये बेनमाजी है तब भी मुझे ऐसे खड़ा होना है, चाहे ये शराबी कबाबी है तब भी ऐसे खड़ा होना है, ये चाहे औरतों से इख्तलात करे तब भी ऐसा करना है। कुरान कह रहा है कि पैगंबरों की औलाद में भी फ़र्क हो सकता है, उनकी नस्लों में भी, सबको एक हैसियत और एक कैफियत के साथ तो अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया, उनमें भी कोई मुहसिन होगा, कोई ज़ालिम होगा। जो मुहसिन है इसने अपने बड़ों की बरकतों को लिया है, लिहाजा ये लायक तज़ीम भी है, काबिल एहतराम भी है, इसकी निस्बत का, इसके नसब का एहतराम उम्मत पर लाजिम होगा। लेकिन अगर एक बंदा खुदा न खास्ता जुल्म के रास्ते पे चल पड़े, नाफरमानी के रास्ते पे चल पड़े, बड़ों की उस निस्बत को बदनाम करके उसकी तहकीर और हतक कर ले, उसके बाद याद रख के ये आदमी काबिल तज़ीम नहीं, काबिल तर्क है, ये बंदा इससे दूर हट जाए, ये तो एक फितना और मुसीबत है। आज हमारे यहाँ ये जहालत भी बहुत ज़्यादा हो चुकी, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गों के मकामात, उनकी खानकाहें, उनके मज़ारात जो अपने वक्त के वलिये कामिल थे, इसमें शक नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस नाम और निस्बत को लिया, बाकी उसके नीचे रहकर अपना सब कुछ कर रहे हैं, और बहुत बड़ा तबका उनके सामने इसलिए चलता है
उन पे नज़र व नियाज और सब कुछ लुटाता है, ख़र्च करता है कि भाई ये फलां के बेटे पोते हैं और वो एक नंबर का नालायक निकम्मा होता है। इसलिए मेरे अजीज़ों दोस्तों बुज़ुर्गों, क़ुरान का नूर जहाँ नहीं होगा वहाँ ये जहालत के नुकसानात हों। और क़ुरान करीम समझा रहा है वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन वज़ालिमुन, कि पैगंबरों की औलाद के अंदर जो सिलसिला होगा उसमें भी मुहसिन होंगे उसमें भी ज़ालिम होंगे, लेकिन उम्मत का ताल्लुक मुहसिन के साथ होगा, ज़ालिम से ताल्लुक काटना पड़ेगा। अल्लाह करीम मुझे भी आप सबको सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं इंशाल्लाह कल बरोज़ हफ्ता हसब तरतीब सुबह 11 बजे से 11:30 तक मस्तूरात की इस्लाही मजलिस होगी बनात के मदरसे में, और असर के बाद इंशाल्लाह मस्जिद में मुख्तसर बयान और ज़िक्र की मजलिस होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته।